नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश के कुछ अहम खबरों की। सरोजनी नगर मंत्री व पूर्व प्रत्याशी स्वाति सिंह ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति सिंह ने पार्टी से टिकट न दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। स्वाति सिंह ने कहा है कि मैं पार्टी की वजह से हूँ, टिकट कटने या ना कटने से कोई बात नहीं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने अगर मुझे टिकट नहीं दिया है तो मेरे लिए निश्चित ही कुछ अच्छा सोचा होगा, मुझे पार्टी ने ही बनाया, जो कुछ भी हूँ पार्टी की वजह से ही हूँ। मैं पार्टी छोड़ने की सोच भी नहीं सकती, बीजेपी की ही कार्यकर्ता रहूंगी और आजीवन रहूंगी। रायबरेली में सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आदित्य सिंह ने नामांकन किया। नामांकन के बाद आदित्य सिंह ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी भारी बहुमत से जीत होगी। आदित्य के पति अंगद ने के टिकट कटने पर भी बयान दिया। आगे कहा कि प्रियंका गांधी का नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ पर लड़ रही हूँ। मैडम, ये दूसरा नामांकन है, पहला जब आप किया था कुछ दूसरे समीकरण थे, इस बार कुछ दूसरे हैं, क्या रहेगा आपकी? सबसे पहली चीज़ तो आप सबको मेरे लिए बहुत शुभ दिन है और इस दिन में आप सभी हिस्सा बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रत्याशी हूँ और आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होगा। तो कांग्रेस में जब 5 साल पहले आप लड़ी थी तो वो मुद्दे और ये मुद्दे हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं कि जनता तो वही है, कैसे समझा पाएंगी आप? जनता मेरी है, जनता अलग नहीं है, जनता हमारी है। अथक प्रयास और मेहनत मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी ने की है रायबरेली के लिए, हमारे सदर के लिए, हमारी सदर की जनता के लिए। और मेरा मुद्दा एक ही रहता है हमेशा, वो है अपने लोगों को, अपने शहरवासियों को, अपने सदर विधानसभा के हर एक वोटर को सुरक्षा और संरक्षा देना। संभल के असमोली विधानसभा 32 के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपने चुनाव प्रचार को गति देते हुए क्षेत्र में कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की, तो वहीं दूसरी ओर डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान समर्थकों ने कई स्थानों पर फूलमालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को लगातार क्षेत्र की जनता समर्थन दे रही है। हाजी मरगूब आलम ने जनसंपर्क की शुरुआत में कहा कि आप लोग वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। बता दें कि 24 से अधिक गाँव में लोगों से संपर्क किया। बांदा में सदर 235 व नरैनी 234 आरक्षित विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकित कराया है। बता दें कि सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण गुप्ता और नरैनी आरक्षित सीट से पवन देवी कोरी के नामांकन कराया है। कांग्रेस प्रत्याशियों ने कहा चुनाव जीतने पर क्षेत्र का चौमुखी विकास जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी बोले कि आगामी चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे अधिक किसानों के लिए काम होगा। क्या नाम है आपको? किस पार्टी से हैं आप? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहला मुद्दा है वहाँ की आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं उसको लेके, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और बच्चों के खेल के मैदान की व्यवस्था करवाना है और बेरोजगारी, महिलाओं की समस्याएं। ये बताइए किससे लड़ाई आपकी समझ में आ रही है, क्या माहौल है विधानसभा में? विधानसभा बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस पार्टी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी से हमारा। बुंदेलखंड में कितनी कांग्रेस पार्टी सीट जीतती नजर आ रही है? बुंदेलखंड में वो तो आप समय बताएगा, आप कितना इंतजार करिए। फतेहपुर के जहानाबाद में अमौली रोड स्थित एक निजी जगह में पीएम नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद के साथ बजट के बारे में जानकारी दी गई। वर्चुअल संवाद के समय भारत सरकार की मंत्री व फतेहपुर सांसद साध्वी निरंजना ज्योति समेत जहानाबाद के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र पटेल सहित कई लोग मौजूद रहे। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पीएम ने देश हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि चाहे युवाओं को रोजगार देने का काम हो या गरीबों को आवास का सपना पूरा करना हो, इसके लिए ही बजट पास किया गया है और बेरोजगार के लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। आगरा में सरोजनी नगर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह रमाड़ा पहुंचे हुए हैं, जहां पर होटल के पास राजेश्वर सिंह का भव्य स्वागत हुआ।
ईडी के सेवा देने के बाद जनता की सेवा करना राजेश्वर सिंह का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त रखने की जिम्मेदारी है। योगी का लक्ष्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को साकार बनाना है। जनता की सेवा करने आ रहा हूं और बहुत मन लगा के जनता की सेवा करूंगा। प्रदेश का विकास करना है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, तो उसका बनाने में हम लोग उनका सहयोग करेंगे और प्रदेश को अपराधियों और माफियाओं से मुक्त रखना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, उनका व्यक्तित्व और उनका विकास के प्रति समर्पण, ये बहुत प्रभावित करता है। जीतने के बाद सर प्राथमिकता क्या होगी आपकी? युवाओं के लिए काम करना है, युवाओं को रोजगार दिलाना है, उनके लिए उनके विकास के और अवसर उपलब्ध कराने हैं, संसाधन उपलब्ध कराने हैं। हर युवा के चेहरे पे हमें खुशी देखनी है। मथुरा में बीते दिनों मंत्री लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक की हत्या हो गई है। इस हत्याकांड के मामले में ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया था और हंगामा करने के मामले में प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को कई कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हथियारों का कोई सुराग नहीं लगा है। इसी के चलते गाँव के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है और ग्रामीणों ने अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में हथियारों का पता नहीं चला तो वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हाईवे को जाम करेंगे। जब मंत्री साहब आए, मंत्री साहब ने 48 घंटा का टाइम दिया था, 48 अब 100 घंटा आएगा, इसी कोई सुनाई ना हुई। मंत्री के कहने पर जाम खोल दिया, वह उनकी दोषी जल्दी पकड़े जाएंगे 24 घंटा में, और 100 घंटा आएगी जी। मंत्री साहब भी चुप है फिलहाल, अभी तक कोई खुलासा ना हो। हमें ये खुलासा हो जाना चाहिए, दोषी ने दंड दिया जाए जल्दी जल्दी, कल सुबह तक। रायबरेली के उचाहार विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी मनोज पांडे ने नामांकन किया। नामांकन के बाद मनोज ने कहा कि उचाहार का विकास ही मेन प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले क्षेत्र की जनता ने विधायक नहीं बेटा चुनकर मुझे सौंपा था, यह मौका दिया था। तीसरी बार विधायक बनने पर क्षेत्र बचा हुआ विकास और किसानों का खेत बचाने का काम किया जाएगा। किसानों की समस्या से मुक्ति दिलाना उनका सबसे बड़ा काम है। इसी के साथ उन्होंने सड़कों का निर्माण कराना और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने की भी बात कही। मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जिसे हमने 10 साल पूरे मनोवेग से पूरा करने का काम किया कि ऊंचा हार के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसे परिवार की तरह, एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक साथी और एक सारथी की तरह सदैव यह एहसास कराना कि उन्होंने विधायक नहीं बल्कि अपने परिवार का एक साथी चुनने का काम किया है। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे 10 साल मैंने इसको निभाए हैं, आने वाले दिनों में जब जनता हमें मौका देगी तो हम उसे भी उसी तरीके से निभाने का काम करेंगे। रायबरेली के सरेनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी ने नामांकन किया। नामांकन के बाद सुधा द्विवेदी ने कहा कि सरेनी का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। विधायक बनने पर क्षेत्र में विकास और किसानों का खेत बचाने का काम करूंगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी प्राथमिकता हमारी ये है कि किसानों की समस्याओं से उनको मुक्ति दिलाई जाए और बची हुई सड़कों का निर्माण कार्य भी पूरा किया जाए। विधानसभा चुनाव में इस बार रंगीन वोटर आईडी को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए डाकघर को लगाया गया है। घर घर डाकियों के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड पहुंचाया जा रहा है। मिर्जापुर के फतवा में बने प्रधान डाकघर से हर रोज 300 के करीब वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट से जिले के अलग अलग डाकघरों तक भेजा जा रहा है। ये वोटर कार्ड लगातार पिछले एक महीने से भेजा जा रहा है। अब तक 10,000 के लगभग वोटर आईडी कार्ड लोगों के घरों तक सीधे डाक के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये वोटर आईडी कार्ड भेजने का काम 15 दिनों तक और चलेगा। हाँ सर, ये बताएं कि मिर्जापुर में या पूरे प्रदेश में एक योजना चालू है कि वोटर कार्ड लोगों को घर पहुंचाया जा रहा है, क्या ये योजना कब से चालू है, मिर्जापुर की क्या स्थिति है? लगभग एक महीने से चालू है और यहाँ बराबर हमारे पास डाक आ रही है डेली और इकट्ठा पैक किया हुआ पूरा स्पीड पोस्ट करने के लिए आता है। हमारे यहाँ एक अलग से काउंटर लगाया गया है जो कि बुकिंग रोज हो जा रही है और पोस्टमैन के द्वारा डिलीवरी करा जाता है। अच्छा, कितना रोज डिलीवर किया जा रहा है? जो
लगभग कितना एक टारगेट है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है कुछ अब तक में, कितना है कुछ? 300-350 डेली बुकिंग हो जा रही है अभी, और वही जो डिलीवरी हो गई, फिर जो बुकिंग हो गई वो डिलीवरी हो गई। मतलब डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट, हाँ डोर टू डोर जाएगा और बांट करके आएगा। कितने दिन तक ये चलना है, क्या चलना है कुछ? ये 15-20 दिन तक और चलेगा। रायबरेली के सलून कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में गर्भवती महिला का शव कमरे में मिला। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सलोनी को पुलिस को सूचना दी। मौके पर सलून कोतवाली संजय त्यागी और क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही सलून कोतवाली संजय त्यागी ने बताया कि जब हम मौके पर पहुंचे तो ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों के साथ दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। फिलहाल शव को जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी दलों में जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इसी क्रम में महोबा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रोशन अली ने नगर कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं उनका फूल मालाओं से स्वागत करने के अलावा उनके नियुक्ति पत्र भी दिए गए। रोशन अली ने कहा, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगामी चुनाव के दृष्टिगत प्रचार प्रसार में जुटे हैं। आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 साल में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसलिए इस बार जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्सुक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2022 के विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हमारी नगर टीम की कार्यकारिणी भी घोषित हुई है और हमने अपने सारे नगर टीम के युवा शानदार जानदार कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इस हत्यारी बेईमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है, अखिलेश जी के कामों को जन जन तक पहुँचाना है और इस बेईमान भ्रष्टाचारी सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों को भी जन जन तक पहुंचाना है। समाजवादी पार्टी के एक जांबाज सिपाही, जांबाज साथी छोटे भाई नगर अध्यक्ष रोशन अली जी की ने अपनी पूरी नगर की कार्यकारिणी का गठन किया है। आज सभी लोगों को यहां पर बुलाकर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले चुनाव 20 तारीख को एक एक बूथ पर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और बूथ जलाने की उनको अपील की गई है और उनको मनोनयन पत्र दिया गया है। देखिए, दोनों ही विधानसभा सीटों पर, चाहे वो महोबा हो और चाहे वो चरखारी हो, 230-231 दोनों ही विधानसभा में हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी प्रत्याशी हमको दिए हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी हर सीट पर खड़े हैं और अखिलेश यादव जी को मानकर, साइकिल के चुनाव चिन्ह को मान करके उनको जिताने का प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है और निश्चित रूप से हम लोग कम से कम दोनों विधानसभा 50,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे। रायबरेली में शराब के सेवन से होने वाली मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए एक युवक की मौत हो गई। ड्यूटी पर मौजूदा चिकित्सक ने बताया कि परिजनों का दावा है कि युवक ने शराब पी थी। फिलहाल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये पवन कुमार आया है ITI कॉलोनी भालापुर से, मलेरिया थाना। इसके अटेंडेंट बता रहे थे कि ड्रिंक किया हुआ है 6-7 बजे के आसपास और यहाँ पे बेहोशी की हालत में आया था और उसके कोई वाइटल्स मिल नहीं रहे थे। पीपल्स भी उसकी डायलेटेड थी, फिर भी उसको इमरजेंसी ड्रग्स लगा के एडमिट किया गया। कंसल्टेंट आके देखे हैं और अभी डॉक्टर साहब ने 5 मिनट में ही वो एक्सपायर हो गया। क्या बताया, क्या पिया था घर पर जिन्होंने? उनके घर वाले बता रहे थे कुछ पिया हुआ है, दारू ड्रिंक किया हुआ है। वो अल्कोहल लिया है कि बियर लिया है ये नहीं बताए, ये बताएं कि ड्रिंक किया हुआ है। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दे ओम शंकर, लगातार जिस तरह से रायबरेली से ऐसी घटनाएं, शराब पीने की वजह से मृत्यु की घटनाएं आ रही है, ऐसे में क्या प्रशासन की असफलता को ये घटनाएं नहीं दर्शाती है? जी हाँ, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जो फेल है रायबरेली का,
ये लोग जो है सिर्फ खनन और चालान पर ही ध्यान देते हैं और वसूली में इस समय रायबरेली का पूरा जिला प्रशासन जुटा हुआ है। 12 मौतों के बाद ये कल मिल एरिया थाना क्षेत्र के बालापुर गांव का मामला था, जहां एक युवक ने शराब पी और जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसको जो गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर गए परिजन, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और फिर वही एक सिलसिला चल जाता है कि शराब पीने से हुई मौत। तो इस पे प्रशासन का क्या कहना है, ओम शंकर, पुलिस का क्या कहना है, मौके पर क्या पुलिस पहुंच चुकी है? प्रशासन अगर इतना काबिल होता तो शायद ये घटनाएं नहीं ना होती, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था हो वो पुलिस विभाग जो है वो आबकारी के ऊपर डालता है, आबकारी जो है पुलिस विभाग के ऊपर डालती है। सच्चाई ये है कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और इस तरह की घटनाएं लगातार क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। लेकिन ओम शंकर, जिस तरह से आचार संहिता लगी हुई है और आबकारी विभाग भी लगातार सतर्क है, ऐसे में कहां से ऐसे शराब आ रहे हैं? जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से इस तरह की शराब की सप्लाई होती है और ये जो है कि कच्ची शराब का मामला है, तो कहीं ना कहीं जो है मिल एरिया थाना अध्यक्ष की लापरवाही कह लीजिए या पुलिस की, आबकारी विभाग की, कहीं ना कहीं जो है कच्ची शराब बन रही तो उसकी जिम्मेदारी जो है इन्हीं लोगों की होती है, लेकिन जब मौत हो जाती है तब जिला प्रशासन जाग जाता है और कार्रवाई करता है। जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक कोई भी एक्टिव मोड में नहीं रहता है। जी ओम शंकर, आप घटना पे नजर बनाए रखे, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा में नगर निगम की गाड़ी ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद व्यक्ति के परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। इसी के साथ घटना को लेकर जानकारी दी गई कि नशे की हालत में चला रहे नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने रोड पार कर रहे युवक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। जी काम करके आ रहे, रोड क्रॉस कर रहे, इतने ही पे वो आए के तुरंत ही गाड़ी मार के और तुरंत ही भागो, और दारू नगर निगम की, हाँ कूड़े वाली, हाँ पकड़ा हम, जो हम छत पे ऐसे देख लो, मैंने कहा मतलब जे एकदम गिर पड़े, जे जन्मभूमि वारो पुल शुरू हुआ को वहीं की है। शैलेंद्र कुमार इनका नाम है, जो मेरे भाई हैं बड़े, लक्ष्मी नगर रहता हूँ। इनके साथ कूड़े वाली गाड़ी थी, बेचारे साइड से आ रहे थे जी, और कूड़े वाली गाड़ी आई नगर निगम वाली और टक्कर मार के चली गई, बिल्कुल छोड़ के गैर होश हो गए, सड़क पे गिर पड़े जी, लोग गिर पड़े जी। मैं कोई था नहीं घर वाला, मैं देर बाद पहुंचा मतलब वहाँ पे मैं, और कूड़े वाली गाड़ी एक मिनट भी नहीं रुकी है, तुरंत भाग गया है वो, और वो दारू वारू पिए और था वो, इसी एक्सीडेंट करके तुरंत भाग गया है वो, और जिल भी बिल्कुल नहीं, रोड पे गैर होश हो गए थे ये लोग, वाहनों उठा के मतलब जब हमारे पास फोन किया है, जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, जब इनको यहाँ पे लेके आए हैं। यूपी में चुनाव के ऐलान के बाद जो है एक तरफ प्रशासन और चुनाव आयोग सख्ती बरत रही है, तो वही आदर्श आचार संहिता का सही ढंग से पालन कराने के लिए आयोग को टीम और पुलिस बल संयुक्त सघन चेकिंग अभियान भी प्रदेश में चला रही है। बता दें कि हरदोई के बेनीगंज बाईपास पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान सभी चार पहिया वाहनों को रुकवा कर चेक किया गया और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। मेरा नाम कमलेश कुमार वर्मा है, मैं मजिस्ट्रेट निगरानी दल से हूँ। यहाँ पे इलेक्शन आयोग के निर्देशानुसार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मैं अक्षरशः पालन कर रहा हूँ और अभी तक कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। तो ये जो चेकिंग अभियान है आप लोग की तरफ से, ये क्या इसकी टाइमिंग होती है, कोई रैंडमली लग जाता है कि इसकी कोई टाइमिंग निर्धारित की गई है? जी जी, मेरी टाइमिंग जो है मॉर्निंग में 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, और इस पीरियड में वाहनों की सघन चेकिंग की जाती है। अभी एक हमने देखा कि व्यक्ति है आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, तो उसको कैसे आप लोगों ने डील किया, उसको कैसे समझाया? उनको निर्देश दे दिया है कि भविष्य में ये जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक ये चीज़ जो है हटा दें। तो ये रहे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।